हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी टेक्स सॉल्यूशंस। माय नेम इज सीए आशीष गुप्ता। 5 जुलाई 2019 को बजट 2019 पास किया गया, जिसमें इनकम टैक्स के प्रोविजंस में कई अमेंडमेंट लाए गए हैं। उनमें से एक अमेंडमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, ताकि इनकम टैक्स एंड जीएसटी से रिलेटेड अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो एक अमेंडमेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो है सेक्शन 139 में जो कि लाई गई है बजट 2019 के द्वारा। सेक्शन 139 पहले क्या कहता था कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं है तो आपको रिटर्न फाइल करना कंपलसरी नहीं है। अब वो टैक्सेबल लिमिट क्या है? टैक्सेबल लिमिट 2.5 लाख रुपए रखी गई है फॉर एन इंडिविजुअल पर्सन। मतलब कि अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 2.5 लाख रुपए से कम है तो उस रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब सेक्शन 139 में अमेंडमेंट्स लाई गई है, जिसमें 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन को इन्वॉल्व किया गया है कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं भी है तो भी आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब वे 3 केसेज कौन कौन से हैं, 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन कौन कौन से हैं, आइए वे देखते हैं। अगर नंबर 1, अगर कोई पर्सन अपने करंट अकाउंट में, एक करंट अकाउंट में या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में ड्यूरिंग 1 फाइनेंशियल ईयर 1 करोड़ से ज़्यादा कैश जमा करवाता है तो उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बेशक उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं भी है तो। मतलब कि अगर वो पर्सन 1 करोड़ इंस्टॉलमेंट में जमा करवाता है, मतलब कभी 20,000 रुपये करवा दिए, कभी 1 लाख करा दिए, कभी 4 लाख करवा दिए, तो भी उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी अगर उसकी टोटल अमाउंट 1 करोड़ से ऊपर चली गई है तो। इसी तरह नंबर 2 पर्सन जो इन्वॉल्व किया गया है, उसमें अगर कोई पर्सन अपने ऊपर या अपने किसी और पर्सन के ऊपर, अपने से रिलेटेड किसी और पर्सन के ऊपर 2 लाख रुपये से ऊपर एक्सपेंडिचर करता है फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर, मतलब कि मान लीजिए मैं अपने लिए या अपनी वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी मदर के लिए 2 लाख रुपए से ऊपर फॉरेन ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करता हूँ तो मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बेशक मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं भी है तो। जो 3rd कैटेगरी ऑफ पर्सन इन्वॉल्व किया गया है, मेरे हिसाब से इसके अंदर काफ़ी पर्सन हिट हो जाएंगे, कि अगर किसी पर्सन ने इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है ड्यूरिंग द 1 ईयर एक्सीडिंग ₹1 लाख, मतलब कि अगर किसी पर्सन ने 1 लाख से ज़्यादा बिजली पर खर्च किया है 1 साल के अंदर तो उसे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बेशक उसकी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं भी है तो। मतलब कि इन 3 कैटेगरी ऑफ पर्सन को अगर इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं भी है तो रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। आइए एक बार पढ़ भी लेते हैं इसे कि क्या लिखा गया था बजट में। मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ ITR बाई सर्टेन पर्सन इवन द इनकम डज नॉट एक्सीड द मैक्सिमम अमाउंट चार्जेबल टू टैक्स। नंबर 1, डिपोजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग 1 करोड़ रुपीज इन 1 और मोर करंट अकाउंट्स, मतलब कि एक या एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में भी अगर मैंने 1 करोड़ रुपये से ऊपर कैश जमा करवाया तो मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। नंबर 2, एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹2 लाख फॉर हिमसेल्फ और एनी अदर पर्सन फॉर ट्रेवल टू ए फॉरन कंट्री, इसमें ये वर्ड देखिए, और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स, मतलब कि अगर मैंने 3 बार फॉरन ट्रैवलिंग करी उसमें मैंने 1-1 लाख रुपया खर्चा कर दिया, मतलब टोटल एक्सपेंस कितना हो गया 3 लाख रुपये हो गया, तो मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, बेशक मेरी इनकम टैक्सेबल लिमिट से ऊपर नहीं भी है तो। 3rd पॉइंट, एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट्स एक्सीडिंग ₹1 लाख टुवर्ड्स कंजम्पशन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, मान लीजिए मेरा ये नहीं है कि मेरा एक सिंगल भी 1 लाख रुपए से ऊपर आया हो, मेरे बिल आए तो ऐसे कि कोई 30,000 रुपये का, कोई 20,000 रुपये का, कोई 40,000 रुपये का, लेकिन पूरे साल में 1 लाख रुपये से ऊपर हो गए तो भी मुझे रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। चलो फ्रेंड्स, थैंक यू। अगर कोई आपको इसके बारे में कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।